पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों से गायब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। एक बार फिर केजरीवाल पर मुश्किलों के बादल मंडराने लगे हैं। इस बार मशहूर वकील राम जेठमलानी ने केजरीवाल को लेकर बड़ा खुलासा किया है, या फिर यूं कहें कि केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल की पोल खोलते हुए जेठमलानी ने बताया कि केस के दौरान केजरीवाल ने ही उन्हें वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने को कहा था। जेठमलानी के इस खुलासे से राजनीति गलियारों में हड़कंप मच गया है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जेठमलानी अरुण जेटली के धुर विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में जब जेटली ने केजरीवाल पर DDCA के मामले में मानहानि का केस ठोका, तो वहीं जेठमलानी ने केजरीवाल का केस हाथ में ले लिया। लेकिन अब जेठमलानी ने पत्र लिखकर न सिर्फ केस से खुद को अलग कर दिया है, बल्कि केजरीवाल पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ऐसे में केजरीवाल की मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ गई हैं, क्योंकि केस के दौरान जेठमलानी की तरफ से हुई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जेटली ने केजरीवाल पर 10 करोड़ रुपए का एक और मानहानि केस ठोक दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने जेठमलानी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कोर्ट में हलफनामा देकर जेटली के खिलाफ जेठमलानी को ऐसे किसी भी अपशब्द के इस्तेमाल की सलाह नहीं देने की बात कही है। फिलहाल कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये तो पता नहीं, लेकिन कानूनी दांव पेच में केजरीवाल चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।